नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, आपके साथ मैं हूं रेखा। और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम जानने वाले हैं पंडित जी से प्रमोशन पाने के उपाय। जी हाँ, जिन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है किसी भी क्षेत्र में, अगर वो हैं तो क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं कि उन्हें प्रमोशन मिल जाए, ये हम बताएंगे। और इसके साथ ही साथ राशियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि दोनों खराब हों, सूर्य भी चौपट हो और शनि भी खराब हो, तो नियमित रूप से काले तिल और गुड़ का सेवन करिए। भोजन में डालकर या सामान्य रूप से लड्डू बनाकर, जैसे भी संभव हो, काले तिल और गुड़ का सेवन करेंगे तो कुंडली में सूर्य शनि की खराब स्थिति की वजह से आपको स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी। तो चलिए, एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है, ये था आज का गुड लक मंत्र, इसे आप भी आजमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और जान लेते हैं 10 अप्रैल यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 10 अप्रैल 2023, दिन सोमवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह के 8:37 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, दोपहर के 1:39 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में चेहरा देखकर अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहां पर आपने जान ही लिया है और साथ ही साथ था गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात आज के हमारे विषय पर कर लेते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रमोशन की। जिन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है उनको उपाय यहाँ पर पंडित जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रमोशन का किन ग्रहों के साथ संबंध होता है। पंडित जी देखिए, करियर की जब हम बात करते हैं तो करियर के लिए मुख्यतः लोग दशम भाव को देखते हैं, कुंडली के दसवें खाने पर विचार करते हैं। लेकिन करियर के लिए कुंडली के दशम, द्वितीय और षष्ठ यानी छठवें भाव को देखना जरूरी है। 10, 2 और 6वां खाना जो है, ये कुंडली में करियर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये भाव कुंडली में मजबूत हैं तो सामान्यतः आपका करियर अच्छा होगा, सामान्यतः आप करियर में तरक्की करेंगे। शनि और दशम भाव अगर ये दोनों बेहतर हों तो आदमी का करियर स्टेबल होता है, सही समय पे प्रमोशन मिलता है, सही समय पे तरक्की मिलती है और वो तरक्की व्यक्ति को जीवन में मिल जाती है। एकादश, तृतीय और सप्तम, 11वां भाव, 3रा भाव और 7वां भाव, एकादश, तृतीय और सप्तम भाव करियर में उन्नति और सफलता देते हैं। यानी करियर के जो भाव हैं वो आपको करियर देंगे और ये जो भाव हैं 11, 3 और 7, ये भाव आपको करियर में सफलता देंगे। अगर 11वां भाव, 3रा भाव, 7वां भाव मजबूत है तो करियर में सही समय पे प्रमोशन मिलेगा, सही समय पे इंक्रीमेंट होगा, सही समय पे आपके पैसे बढ़ेंगे। इसलिए इन ग्रहों को देखना और इन भावों को देखना नितांत जरूरी है, नितांत आवश्यक है।
तो चलिए, किन ग्रहों का संबंध होता है आपके प्रमोशन के साथ और किन ग्रहों को आपको देखना चाहिए अपनी कुंडली में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं और नहीं मिल पा रहा है, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है वो पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप शिक्षा क्षेत्र में हैं और वहाँ पर किसी तरह का प्रमोशन चाहते हैं और नहीं मिल पा रहा है तो क्या उसके लिए उपाय किया जाए, आइए देखते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप टीचर हैं, आप प्रधानाचार्य हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, लेकिन लंबे समय से आपका इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा, लंबे समय से प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे? मां सरस्वती का एक चित्र बुधवार को अपने घर में लगा लीजिएगा अपने पूजा स्थान पर, और रोज सुबह उनको एक सफेद फूल चढ़ाइएगा। अगर वास्तविक फूल नहीं मिल पा रहा तो मानसिक फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद उनसे प्रमोशन की, पदोन्नति की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग किसी भी बुधवार से शुरू करके लगातार 27 दिन तक करिएगा, बहुत अच्छा होगा। अगर टीचिंग प्रोफेशन में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो इसको करने से आपको लाभ होगा, लगातार 27 दिन तक करिएगा। और इन 27 दिनों में स्वयं आप ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्रों का प्रयोग करिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, शिक्षा क्षेत्र में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं तो क्या उपाय आपको करना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिएगा। बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए और धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, आप लोगों का भाग्य कितना साथ आपका देगा ये आपने जान लिया है। अब आपके सवालों के जवाब भी जान लेते हैं, देख लेते हैं आज का पहला ईमेल किसका है पंडित जी। आज का पहला प्रश्न आचार्य मानसी ने हमें लिखा है, अहमदाबाद से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 2005, जन्म का समय है रात के 11 बजे, जन्म का स्थान है बायद, अरावली, गुजरात। ये लिख रही हैं कि मैं गायक बनना चाहती हूँ लेकिन मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो किस क्षेत्र में जाने पे मुझे सफलता मिलेगी और उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। मानसी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या, महादशा मंगल की और अंतरदशा आपके सूर्य की चल रही है।
देखिए, गायक के तौर पे करियर बना पाना इस कुंडली में थोड़ा कठिन होगा। शौक के लिए आप गायकी सीख लें, उसमें अभ्यास करें, उसके लिए काम करें, अच्छा है। लेकिन आपके माता पिता जो कहते हैं मेडिकल वाली बात, वो बात ज़्यादा बेहतर है। अगर आप डॉक्टर बनने का प्रयास करें तो मेडिकल के सेक्टर में, चिकित्सा के क्षेत्र में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। चंद्रमा की स्थिति थोड़ी गड़बड़ होने की वजह से मन एकाग्र नहीं होता है, मन में चिंताएं बहुत हैं और एकाग्रता थोड़ी कमज़ोर है। आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको जानकारी नहीं है कि आपको अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं, तो आपको अपने सवाल लिखने हैं और उन्हें भेज देना है इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चिकित्सा क्षेत्र की या फिर उससे जुड़े हुए क्षेत्र की। अगर यहाँ पर आप प्रमोशन चाहते हैं तो क्या आपको करना है, कौन सा ऐसा उपाय है, पंडित जी आपको बताएंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी में हैं, और आपको लंबे समय से अपने मेडिकल प्रोफेशन में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में जरा सी रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर 27 बार या 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए और फिर वहीं खड़े होकर के शीघ्र प्रमोशन की, शीघ्र पदोन्नति की, अपने पद में, अपने पोजीशन में उन्नति की प्रार्थना करिए। ये प्रयोग लगातार 27 दिन तक करिए, किसी भी रविवार को शुरू करिए और 27 दिन तक लगातार करिए। आपकी नौकरी में, आपके रोजगार में, आपके करियर में, अगर वो मेडिकल से संबंधित क्षेत्र है तो प्रमोशन, डेवलपमेंट जरूर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, अगली जो क्षेत्र है, अगली जो तरक्की है वो तकनीकी क्षेत्र में है। जी हाँ, तकनीकी क्षेत्र में, टेक्निकल जो फील्ड है उसमें अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय है, पंडित जी आपको बताएंगे। आप टेक्निकल फील्ड में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में हैं, आप डाटा एंट्री में हैं, यानी आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, बहुत सारे इसके रास्ते हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो, आपकी तरक्की हो, तो क्या करेंगे? अगर आप तकनीकी, इंजीनियरिंग या निर्माण के क्षेत्र में हैं तो रोज सुबह लाल वस्त्र पहनकर या लाल रुमाल सर पे रख लें या लाल चुन्नी डाल लें अपने ऊपर और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद अपने शीघ्र प्रमोशन की प्रार्थना करिएगा कि आपके करियर में उन्नति हो, आपके करियर में आपका प्रमोशन हो। जितने दिनों तक ये प्रयोग करेंगे उतने दिनों तक मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे और ये प्रयोग लगातार 27 दिन तक करिएगा। मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक ये प्रयोग करने से टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपको करियर में डेवलपमेंट का लाभ अवश्य होगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार प्रमोशन अगर आप चाहते हैं उपाय कर सकते हैं, कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा राशियों के बारे में भी हम जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं। तो अगली 3 राशियों की बारी अब आ जाती है, देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सफलता का समय है, करियर में सफलता के योग हैं, मानसिक तनाव आपका कम होगा
और रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह के विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालिए। पारिवारिक जीवन का ध्यान बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में आपके लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं आप ईमेल्स की तरफ और देख लेते हैं अगला सवाल किसका है। पंडित जी, जी अगला प्रश्न हमें पुष्पा बंसल जी ने लिखा है, अयोध्या से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1992। जन्म का समय है दोपहर के 2:10। जन्म स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और भविष्य में मेरे नौकरी की संभावनाएं क्या हैं। पुष्पा जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा सूर्य की और अंतर दशा केतु की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से जुलाई 2023 से लेकर के और मई 2024 के बीच में, जुलाई 23 से मई 24 के बीच में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। अगर इस समय में आप प्रयास करें तो आपका विवाह निश्चित रूप से संभव है। दूसरी बात यह है कि अगर आप शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहें, कला या संगीत के क्षेत्र में करियर बनाना चाहें, तो उसमें आप अच्छा करियर बना पाएंगी और उसके बेहतर करियर की जो संभावना है वो संभावना अप्रैल 2024 के बाद बनती है। शीघ्र आपका विवाह हो और आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आज जो विषय है हमारा वो तरक्की को लेकर है, क्योंकि तरक्की हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं कारणों की वजह से, आपके ग्रह नक्षत्र की वजह से आपको तरक्की नहीं मिल पाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पंडित जी से सरकारी नौकरी को लेकर भी पूछे गए हैं। तो पंडित जी, अगर सरकारी नौकरी में यहाँ पर हैं, वहाँ पर किसी तरीके का प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए लोग क्या करें? जैसा कि रेखा ने कहा, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और ये प्रश्न भी आता है कि प्रमोशन नहीं हो पा रहा, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा सरकारी नौकरी में, उसके लिए क्या करें। देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आप अपनी नौकरी और करियर में उन्नति चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल चढ़ाइएगा।
केसर का तिलक लगाइएगा जल चढ़ाने के बाद, और एक तांबे का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में रविवार को पहन लीजिएगा, और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। ये प्रयोग रविवार से शुरू करके लगातार एक महीने तक जरूर करें। ऐसा करने से सरकारी नौकरी में आपके उन्नति के, आपके तरक्की के योग बनेंगे और निश्चित रूप से आप उस नौकरी में तरक्की कर पाएंगे। तो सरकारी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये उपाय पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में हैं, वहाँ पर प्रमोशन के लिए आप वेट कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो कॉर्पोरेट क्षेत्र वाले यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं उपाय के तौर पर, आइए देखते हैं। आप बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, यानी कॉर्पोरेट के सेक्टर में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए क्या करेंगे, एक पीले रंग के भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर में जरूर रख लें, पूजा स्थान पर रख लें, और रोज सुबह उनको दूर्वा यानी दूब घास और एक लड्डू, ये रोज सुबह नहाने के बाद पूजा करते समय उनको अर्पित करें। इसके बाद एक दो अक्षर का मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम गणेश, ओम गणेश। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार रोज सुबह जप करिए। इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपका प्रमोशन हो, आपकी पदोन्नति हो, और ये लड्डू स्वयं ग्रहण करें, स्वयं खा लें। ये प्रयोग लगातार एक महीने तक आपको करना चाहिए। ऐसा करने से कॉर्पोरेट जगत में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप सफलता जरूर पा सकेंगे। तो सफलता पाने के उपाय और प्रमोशन पाने के उपाय यहाँ पर पंडित जी से आप जान रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली तीन राशियों की तरफ और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। तुला राशि, करियर के मामलों में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, सर्दी जुखाम से सावधान रहें, सर्दी जुखाम हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में शुभ और मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बाधाएं आ सकती हैं इस समय, लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें, पारिवारिक समस्या इस समय आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताया, और इसी तरह आखिरी तीन राशि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को बताएंगे हम कि उनका दिन कैसा बीतेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि फिलहाल वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। देख लेते हैं अगला ईमेल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी।
अगला प्रश्न एक माता ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखती हैं, अपने पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री का नाम है नाजिया। पुत्री की जन्म तारीख है 9 अक्टूबर 1993। जन्म का समय है 6:15 शाम को। जन्मस्थान है अबोहर, पंजाब। ये पूछ रही हैं कि मेरी बेटी का विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। क्या मेरी बेटी की कुंडली में कोई काल सर्प दोष है या मंगल दोष है। देखिए, नाजिया की जो कुंडली बनती है वो बनती है मीन लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। आपकी बेटी के विवाह का योग निश्चित रूप से इस समय चल रहा है और अगर कोशिश की जाए तो इस समय शादी तय हो सकती है और इसी साल के अंत में विवाह होने की संभावना भी बनती है। वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के इनका ठीक है, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बेटी की कुंडली है मांगलिक, तो जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तक मंगल दोष की बात है, आपकी बेटी की कुंडली मांगलिक है और इसीलिए कुंडली मिला करके विवाह करना चाहिए। आपने लिखा है कि इन्होंने मूंगा और मोती पहना हुआ है, वो इनको पहनने दीजिए। इनको सिर्फ इतना बोलिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप अपने सवाल लिखिए और उन्हें भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रमोशन की ही। तो अब कौन से क्षेत्र की मैं बात करने वाली हूँ आपको पता चल जाएगा। मीडिया, फिल्म या ग्लैमर या फिर आर्ट के क्षेत्र से अगर आप ताल्लुक रखते हैं और प्रमोशन आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, फिल्म में हैं, ग्लैमर में हैं या कला के क्षेत्र में हैं, यानी शुक्र प्रभावित क्षेत्रों में हैं, तो प्रमोशन के लिए क्या करेंगे, कैसे होगा प्रमोशन, कैसे होगी उन्नति। भगवान शिव को रोज सुबह सुगंधित धूप बत्ती जला करके अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें, ऐसा रोज सुबह करें। इसके बाद नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें। एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में जरूर धारण कर लेंगे और तीखी चीजें खाना कम कर देंगे। यानी अगर आप मीडिया, फिल्म या ग्लैमर के क्षेत्र में प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो भगवान शिव की पूजा करना इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा और साथ ही साथ एक सफेद स्फटिक की माला भी आपको गले में पहननी चाहिए। लेकिन जो तीखी चीजें हैं, स्पाइसी चीजें हैं, वो थोड़ा सा कम खाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में प्रमोशन को लेकर क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, नहीं मिल पा रहा है किसी कारण, तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए अलग अलग उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ वक्त हो जाता है आखिरी 3 राशियों पर नजर डालने का। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, दौड़ भाग इस समय आपकी बढ़ी रहेगी, मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन साथ ही साथ करियर में सफलता भी मिलेगी। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे हो जाएंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, परिवार में खुशहाली आएगी,
महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें जानकारी दे दी है। सभी 12 राशियों के लोगों ने ये जान लिया है कि उनका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी, तो देख लेते हैं आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न चंद्रकांत पाठक जी ने हमें लिखा है, अलीगढ़ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1997। जन्म का समय है 10 बजे रात को। जन्म स्थान है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स किया है लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुझे करियर में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, क्या करना चाहिए और क्या मेरी कुंडली मांगलिक है? चंद्रकांत जी, कुंडली आपकी मीन लग्न की है और मीन राशि की है। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित कोई भी पढ़ाई या टेक्नोलॉजी की कोई भी पढ़ाई, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर की ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। और करियर में सफलता पाने का जहां तक प्रश्न है, आपको करियर में सफलता मिलेगी जनवरी 2024 के बाद। तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। कुंडली आपकी बिल्कुल मांगलिक है और कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा, क्योंकि वैसे भी आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं। क्या उपाय किया जाए बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो प्रमोशन की उन्नति की बात आज पंडित जी और हम कर रहे थे। यहाँ पर अलग अलग सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी से हमने लिए और उन्होंने बताया अलग अलग क्षेत्रों में प्रमोशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर कोई व्यापार करता है, कोई बिजनेस यहाँ पर करता है, तो वो चाहता है कि उसकी भी तरक्की हो, उसकी भी प्रोग्रेस हो, जो बिजनेस है उसका फल फूले, तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जो लोग व्यापारी हैं, कारोबारी हैं? देखिए, कारोबार का जो मुख्य ग्रह ज्योतिष में समझा जाता है या जिससे बिजनेस की सेंस डेवलप होती है, वो ग्रह होता है बुध, यानी मरकरी। तो अगर आप व्यापारी हैं, अब व्यापार में प्रमोशन तो होगा नहीं, व्यापार में उन्नति होगी, धन बढ़ेगा, तरक्की होगी, तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए व्यापारियों को बुध को मजबूत करना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं और आप अपने बुध को मजबूत करते हैं तो इससे आप अपने व्यापार को बहुत अच्छा बना पाएंगे, व्यापार में तरक्की कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी अगर आप प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करें? नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाइए। गाय को हर बुधवार को या जब भी मौका मिले हरा चारा या हरा फल खिलाइए, गाय की सेवा करिए, आपको लाभ होगा। और दूसरे नंबर पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के
यानी भगवान विष्णु या उनके अवतारों में से किसी एक के मंत्रों का जप करना शुरू करें, जैसे ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। तो अगर आप ऐसा करते हैं नियमित रूप से तो व्यापार में भी आपकी तरक्की होगी, व्यापार में भी आपकी उन्नति होगी। अब बढ़ते हैं आगे, जन्मदिन की बात कर लेते हैं। 10 अप्रैल को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 10 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव और सुधार होगा। धन की स्थितियां ठीक तो होंगी लेकिन बचत पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में साल भर छोटी छोटी समस्याएं आपके रह सकती हैं और इस साल में आपके परिवार में किसी शुभ और किसी मंगल कार्य के होने के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो जाता है जिज्ञासा दूर करने का, और जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या भगवान की भक्ति से भाग्य को भी बदला जा सकता है क्या? आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में जो लिखा है, जो इस जीवन में आप पा रहे हैं, क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है भगवान की भक्ति से? देखिए, भगवान की भक्ति का आपके भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। भाग्य आपके शरीर का है, इस जन्म का है, और भक्ति जो है वो कई जन्मों की होती है और वो मामला आत्मा का होता है। भगवान की भक्ति करना, भगवान के रास्ते पे चलना, ये मानव का सहज स्वभाव है, व्यक्ति को चलना ही चाहिए। और एक बात और जान लीजिए कि भक्त कभी भगवान से नहीं कहता कि मेरा भाग्य बदल दो, मेरे जीवन में ये कष्ट है इसे दूर कर दो। सामान्यतः भगवान बिना कहे ही भक्त के जीवन में बदलाव कर देते हैं। इसलिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो भक्त होते हैं ईश्वर उनके जीवन को अपने हिसाब से नियंत्रित करता है, उनके ऊपर भाग्य का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जिज्ञासा पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है, सवाल का जवाब हमें मिल गया है। आगे अब शुभपहर पंडित जी से जान लेते हैं कि 10 अप्रैल यानी कि सोमवार का शुभपहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 10 अप्रैल 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय फिर से नोट करें, 10 अप्रैल सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। अब वक्त हो जाता है गुडलक राशि के बारे में जानने का। गुडलक राशि में हम हर रोज खास राशि के बारे में कुछ खास जानकारी आपको देते हैं, तो आज देख लेते हैं कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने जा रहे हैं, कौन सी खास बात। हम आपको अब बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों को खतरा किस चीज से होता है जीवन में। वृषभ राशि की आज बात करेंगे, और वृषभ राशि वालों को अक्सर रिश्तों में धोखे का और रिश्तों में अपमान का खतरा रहता है। साथ ही साथ बहुत कम उम्र से ये आइसोलेटेड हो जाते हैं अक्सर, और कम उम्र से इनको अकेले चलना पड़ता है, ये भी एक खतरा इनके जीवन में बना रहता है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो भगवान शिव की आप जितनी पूजा करें, भगवान शिव की जितनी उपासना करें, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और अब आ चुके हैं हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, और यहां पर हम पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय, तो देख लेते हैं जल्दी से आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी,
अगर पति पत्नी में प्रेम बहुत हो, सब कुछ अच्छा हो, साथ में रहना भी चाहते हो, लेकिन तालमेल नहीं बैठ पा रहा हो, प्रयास करने के बावजूद एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा हो, क्या करेंगे? एक शीशे का बर्तन ले लें, शीशे की कांच की गिलास ले लें या कांच की बोतल ले लें, उसमें जल भर लें और थोड़ी सी खुशबू उसमें मिला दें, चाहे तो गुलाब जल डाल दें थोड़ा सा उसमें, और इस पानी भरे हुए पात्र को बेडरूम के पूरब उत्तर के नॉर्थ ईस्ट के कोने में रख दें और रोज ये पानी बदलते रहें। पति पत्नी का तालमेल इससे निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को भी बताने के लिए कि प्रमोशन अगर उन्हें नहीं मिल रहा है तो उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जीएनटी।